आधार कार्ड भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर की पहचान और पते का प्रमाण देता है। नरेगा, राशन, शिक्षा, पालनहार और पेंशन जैसी आधारभूत योजनाओं से जुड़ाव और उनके लाभ लेने के लिए आधार एक अनिवार्य दस्तावेज है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आधार से जुड़ी कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं में नया आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार कार्ड में गलत जानकारियों की वजह से होने वाली परेशानियां भी शामिल हैं। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया समय के साथ बहुत जटिल हो गई है। आधार कार्ड बनवाने के लिए पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अंक तालिका जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। कई परिवारों और व्यक्तियों के पास इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता। परिणाम यह होता है कि आधार के आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज बनाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारे कागज नहीं बन रहे। हमारे था, मैं छोटी थी, मैं स्कूल भी जाती थी, पर हमारे आधार कार्ड गुम गया। फिर हमने बहुत कोशिश की पर कागज का इश्क नहीं लादा। हमारे पिताजी का ना कॉपी था, पर इसलिए हमारे पिताजी ऑफ भी गया ने क्या गाँव वाला ही बुमरा को इसने बोला इसके पिताजी नहीं थे, इनकी बच्ची हराम भरी जाइए तो इसलिए हमारा नाम काट दिए, इसलिए उन्हें कॉपी ले दिए। सदीप से बार दिलावरी भी आषाढ़ महीने ऑटो लेन सलूम लेगी तो कागज मान जा, आधार कार्ड मांगी, बैंक डायरी मांगी, भामासा मान जा, सब मान जा, भी हम कठो प्रूफ पा लो तो वटो माँ फांसा करा लिया यहाँ करा लिया यहाँ तुमने दी प्राइवेट में जवा बोलिया तुमने। मैडम बोली देखो थान कोड़े बार रिपा भी नहीं है, रिपा तो नहीं ले ला, पर थान कोड़े सब सामान मांगी थे कठो दियो तो थे यूँ करो घरों किस्ती माते भी लिया वो रूम माते मुँह हाउ करा भी दो तो बाबरी मैंने हाउ कर दी दी नहीं ने थे मैं कि सूटी का डालो के अंदर आधार कार्ड भमासा बैंक डायरी नहीं तो कटो देंगा नहीं लड़की रा में सूटी कार्ड और अंडा 50,000 लून आवे तो मैं कटो भरूँ फार्म थे बोलो मैं फार्म भरूँ अंडे सब काम वे तो मैं भरूँ के ना ते फसे माँ की वा बेमाने नहीं भरे आलो तो वाके भी मार कोड़े ग्रुप यो प्रूफ वे तो सरकारी में मैं भरा वे सकूँ काम ही भी नहीं करे सके बार मैं काम करे ना वीजो भी नहीं करे सके आधार कार्ड सावे सब कार्ड सावे बैंक डायरी सावे। आधार कार्ड नहीं है जाए जाए जब आधार कार्ड नहीं है क्या करें, बनवाए कितनी बार बनवाए, रसीद मेरे हाथ में ये 17 की है और ये 16 की है और ये भी 17 की है, 17 में दो बार बनाया और ये 16 की और ये 16 में भी दो बार बनाया और ये 19 की है बोलो और एक दो गुम भी है, 7 रसीदे है मेरे पास, वो दो कहीं गुम हो गई है लेकिन ये सब ऐसे ही लूटने वाले ही मिले मेरे को। मारा तो दो मन कर आधार कार्ड है नंबर 2-3 आना भी दर ही नहीं, लड़की का तो अभी बना ही नहीं है, स्कूल का टीकाकरण का वो मांगते ही नहीं, 2-3 बार लेके गई लेकिन बना ही नहीं थी। अणामा सही है, अणामा गलत है, अणामा कम उम्र की दी, कालका में सही है, अणामा गलत की दे वोट ना। वोटर आईडी के हिसाब से किसी की एज चेंज नहीं कर सकते हैं, वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मान्य है, अगर उसका नाम गलत है और वोटर आईडी में सही है तो नाम सही कर सकते हैं वोटर आईडी के आधार पर, और एड्रेस गलत है तो एड्रेस सही कर सकते हैं वोटर आईडी के आधार पर। डेट ऑफ बर्थ के लिए अब 3 ही डॉक्यूमेंट वैलिड हैं जैसे पैन कार्ड, मार्कशीट किसी बोर्ड की या फिर जन्म प्रमाण पत्र। पहले तो कई अथ्रू डॉक्यूमेंट मांगता नहीं है पर ये एम के ये वे जन्म प्रमाण पत्र सावे मोरे मु फरे फरे से उम्र कम है यूक्री जना तक मारे उम्र कम है यूक्री उम्र बढ़ाओ तो मु अजू मारे उम्र ने बसा 8 साल की उम्र से हुई है मारे आधार कार्ड माते पहले उम्र बढ़ाओ नहीं ये गलत लिखी है आप आधार कार्ड को काम पड़े कि नहीं पड़े यू आप की जान पानी है वेजिए जाने तो आप अन बनी है तो की जाना तो गलती तो लगवा ला मैं गलती आप हम थे आप ही लगते तो वो पादर तो 7-3 जने का आधार कार्ड बिना हुआ है हमारा 3 जने का खाली और 4 जना बाकी है और उसको मोकला 16 आधार कार्ड मांगे आधार कार्ड मांगी दिए तो आधार कार्ड ना मिलना भर्ती ने करें गायम की
एम के। मैंने पूछा उनसे कि उनने बताया कि इनको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, तो मैं उनके सब कागज बनाए थे, सरपंच सेक्रेटरी का सबका साइन वाइन सब करवाया, वो तहसीलदार से भी वो करवाए थे अंदर, फिर वो मैंने कागज भी दिया लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ज़्यादा समस्या यहाँ न्यू आधार बनाने में आती है क्योंकि लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते, क्योंकि एसटी बेल्ट है, पूरे आदिवासी समाज से लोग यहाँ आते हैं, अनपढ़ हैं, और उनके मतलब न्यू एनरोलमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनको पता ही नहीं चलता है क्या लाए और क्या नहीं लाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक कर लिया है न्यू आधार के लिए कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट उनका कंपलसरी कर दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो एक आइडेंटिटी या एक एड्रेस प्रूफ दो होने चाहिए, तो वो लोगों के पास मिलते ही नहीं है। तो बच्चे छोटे होने के कारण वो स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करते थे, तो स्कूल का भी कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता, तो काफ़ी परेशानी आती थी। मेरे का क्यों मांगे तो का क्यों, मैं आधार कार्ड तो ही नहीं, मैं बेटा दीदा तो ही नहीं, स्कूल में गया तो क्या बेटा स्कूल टीसी लाओ, तो बेटा मैं पिया मैं क्या मैम पिया बना मैं है पर ये पिया ही कटो लाओ, मैं आदमी तो वो बीमार रहो बीमार रहे लगे बैर मुँह कटो मैं कमावा दूँ तो मैं कौन मेरे दवाई नहीं। जो जन आधार कैंप में बने हैं उनमें काफ़ी समस्या आ रही है क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड से और जन आधार वाले रिकॉर्ड मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी एक एक करके उन्होंने आगे जो सन था वो लगवा दिया, स्कूल में उन्होंने जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो लगवाई, तो फिर स्कूल का रिकॉर्ड और आधार का रिकॉर्ड दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो करप्शन में काफ़ी समस्या आ रही है क्योंकि स्कूल अब डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए उनके बोर्ड की मार्कशीट अनिवार्य कर दी गवर्नमेंट ने। जनजाति परिवारों में कई ऐसे परिवार हैं जिनमें लोगों के आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पाते कि उनकी फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियां आधार मशीन में नहीं आ पाती। इस प्रकार के लोग आमतौर पर आधार केंद्रों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आते हैं। इस वर्ग के लिए स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। आधार कार्ड केंद्रों की दूरी और उनकी प्रतिदिन आवेदन लेने की क्षमता भी कई तहसीलों में एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए औसतन 3 से 4 बार आधार केंद्र तक जाना पड़ता है। इसे न केवल उनका समय और आर्थिक खर्च बढ़ता है बल्कि कई बार पूरे दिन की मजदूरी भी मारी जाती है। जटा जटा ये आंगली बाली ने आवे जी डोकरी के आंगली तक सब बंद करे हैं, एवे रह सकी तो ये आंगली नाक जो ने चाहते उधर तो वापस भेजते के किसी का साइन करके लाओ, किसी का क्या करो, स्कूल का फार्म भर के लाओ, तब आधार कार्ड बन के आता है, ऐसे बोलते ही वापिस आते हैं, जाते ही वापिस। जो पेम्स ली तो साल दून लिया पैसा 8 साल की हंगला के मुँह फाड़े के जन तबेगी तब मारे जो साल दिन भी फरते फरते 12 महीना बे वर थी गई बे वर बेगो फरते फरते मुँह फरे से रही तो कोशिश तो हमने की सब कागज मंगा लिया, वे कागज ला लिया सब ले गया, आए पार्सल है बनावे तो पार्सल ले गया, कोई इनके अग्नि बनी सकी केम ने बने कि नाना सोरों ने आंगला नहीं आवे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना स्लो चलता है कि 30 से 35 अगर कंटिन्यू कस्टमर रहते हैं सुबह 9:30 से 5 तक तो भी 30 से 35 ही बन पाते हैं, क्योंकि न्यू एनरोलमेंट अगर जितने ज़्यादा है बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो उसमें 4-4 बार हमें फिंगरप्रिंट उसके साफ करके लेने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं हम, हाथ धुलाते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं, जितनी कोशिश हमसे हो सकती है उतने करते हैं, फिर भी उसके अगर फिंगरप्रिंट और आईरिस दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है तो आगे से रिजेक्ट कर देते हैं सब। आधार कार्ड वाले तो वहाँ जो मांगते हैं तो मेरे पास तो इनका जन्म दाखला सब है मेरे पास, मैं लेके जाता हूँ और मेरे भी प्रूफ मांगते मैं देता हूँ, लेकिन बनवा के आता हूँ फिर मैं 8 या 15 दिन के बाद दिखवाता हूँ तो फिर बोलता है कैंसिल हो गए हैं, आगे से हो गया है, फिर थोड़े इतने दिन में तो यहाँ बनते थे वो भी अभी बंद हो गए, यहाँ आजू बाजू में गाँव में भी बनता नहीं है, साबला जाते हैं तो फिर बना तो फिर दिखवाते तो वो कैंसिल हो गया बोलते हैं। બીજો ગુમામાં તો આવે મારે અંગૂઠો પિયામાં મારે અંગૂઠો આવે નહીં બેંકમાં જાય કે અંગૂઠો નહીં લાગે થાય કાફી ટાઈમ તક લોકડાઉન કે બાદ દો આધાર સેન્ટર હોને કે વજહ સે કાફી પરેશાની આઈ યહાં પે લોગ સુબહ 8 બજે સે લાઈન લગા કર યહાં વેટ કરતે થે પૂરે દિન મેં જ્યાદા સે જ્યાદા 30 સે 40 આધાર બનતે થે લેકિન યહાં 100 સે 150 લોગ ઇકઠ્ઠે હો જાતે થે અબ લોગો કો મતલબ અનપઢ લોગ હૈ उनको समस्या ये आती है कि अब तहसील में जाए क्या, करें क्या, करना क्या। इस बीच लोगों को यूँ बताते हैं मतलब मेरा एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में 1000 से 1500 रुपया खर्च हो जाता है,
एक बार सर्टिफिकेट उस वकील को पैसा देना पड़ता है, वो फार्म भरता है, एक फार्म जो 20 रुपये का आता है वहाँ उन लोगों से 200-200 रुपये ले लिए जाते हैं। अंदाजों से लगभग 7-8 हज़ार रुपया तो इमस खर्चा में पड़ा गया आधार कार्ड में। मोजे पर कहीं फायदो मलतो वो सब खूटो, कोई नहीं है, कुछ नहीं मिला मेरे को। मतलब कहने का मतलब, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आमतौर पर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मिलने वाले फायदे, राशन, आंगनवाड़ी से मिलने वाले लाभ, बैंक खाता, पेंशन, पालनहार के आवेदन और नरेगा के भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी हुई पर हमारे आधार कार्ड मांगे, हम कटोला वा आधार कार्ड, इसलिए हम थाकन भेजे तो हमारे पिया आए जे वेकरी जे मार 8 साल वेगी ऊपर वेगी पर पेंशन नहीं आवे रही मारे ने बेटा का बेटा है जाए आप बालों में करे रही आप रुपया मिलिया सावे नुकसान ते भी ने मिले रही मैं हाथ पोखते भी बांगा मौका तो पेंशन चालू होती तो मैं खाता ही साफ पानी कर सो नहीं तो पहले तो गो मिलता मेरे को 20 किलो तो बाद में आधार कार्ड एक छोरा का छोटे वाला का सेलिंग में हुआ तो गो मिलता मिलता 2 महीने भी बंद हो गया। इबे तो आधार कार्ड बनाना पर कई बड़े कई प्याज़ बड़े प्याज मजदूरी कर रहा नहीं बड़े प्याज ले तो बड़े दवाई जैसे कि आधार से लिंक कर रहे हैं, अगर आधार में नाम और बैंक डायरी में नाम मिसमैच है तो फिर वो लिंक ही नहीं होता उस वो प्रार्थी फिंगरप्रिंट से कहीं भी। एक तरफ आधार कार्ड नागरिक अधिकारों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बनता जा रहा है, लेकिन जनजाति और दूरस्थ इलाकों में उससे जुड़ाव में बहुत बुनियादी समस्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। न्यू एनरोलमेंट के लिए सर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है, बच्चों के पास, तो फिर उसके लिए जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने तय किया जिसके आधार पर नाम वगैरह वगैरह चेंज हो जाते हैं वो फॉर्मेट भर के किसी पंचायत लेवल पर ऐसा एक ऑफिसर तय कर दे कि वो साइन करके दे देवे, जैसे सरपंच है सचिव है तो वो साइन करके दे देवे तो लोगों का काम हो जाए, न्यू एनरोलमेंट हो जाए। बाकी किसी गजेटेड ऑफिसर वो बेचारा गाँव में कहाँ ढूंढेगा गजेटेड ऑफिसर, तो उसके लिए एक फॉर्मेट तो गवर्नमेंट ने तय किया उसके आधार पर नाम वगैरह वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो उसमें एक पॉइंट और ऐड करें, पंचायत बॉडी में कोई ऐसा व्यक्ति साइन करके दे देवे जिससे उसका न्यू एनरोलमेंट हो जाए। सभी समस्याओं को देखते हुए आधार से जुड़ाव को सरल और वंचित वर्ग के लिए सुविधाजनक बनाने के विकल्पों पर काम करना आवश्यक है। आधार केंद्रों का विकेंद्रीकरण, उसके लिए जरूरी दस्तावेजों में छूट और तकनीकी कारणों के चलते आधार से वंचित लोगों के लिए सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना चाहिए।